हाय राहुल, दिस इज वेलकम टू आर दी एडमिन शो एपिसोड 7। एंड लाइक आई एम रियली थैंकफुल दैट यू अग्रीड टू कम बैक अगेन फॉर एपिसोड 7। एंड आई नो यूर राहुल इज आर्कियोलॉजिस्ट एंड ही हैज विजिटेड 25 टेम्पल्स एंड ही इज गोइंग टू गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन। गो हेड राहुल एंड गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन। जी बहुत बहुत धन्यवाद अनामिका जी इनवाइट करने के लिए। मैं राहुल कुमार आज दौर्टमान शो पे धरोहरों की बात किया जाएगा। इसमें तीन मुख्य धरोहर के ऊपर में आज विचार विमर्श किया जाएगा। इसमें क्या है कि ये तीनों धरोहर जो है हमारी सभ्यता का एक अनुपम धरोहर है। वास्तुकला की दृष्टि से, इनके आर्किटेक्चर की दृष्टि से, उसके बाद इसमें जितने समय लगा, जितनी कारीगरी इसमें की गई है, उन सब चीजों की दृष्टि से आज इस पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। ठीक है, मैं अपना आई विल शेयर माय स्क्रीन नाउ। ओके, सो फर्स्ट वन इज रानी की वाव, द क्वीन स्टेप वेल एट पाटन गुजरात। रानी की वाव, वाव का मतलब होता है बावड़ी। गुजरात में वाव को, बावड़ी को ही वाव कहा जाता है। बावड़ी का मतलब होता है जहाँ पे पानी को जमा किया जाता हो। जैसे आजकल हम लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात करते हैं, तो ये आज से सैकड़ों साल पहले ही रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सबसे अनुपम और अद्भुत उदाहरण। ये सोलंकी शासन के समय में ही उनकी राजा एक भीमदेव थे, उनकी पत्नी उदयमती के द्वारा ही इस वाव का निर्माण करवाया गया था। जब आप इस वाव को देखेंगे, इसमें आपको हर एक चीज, एक इसका जो एंगल बना हुआ है, एक्चुअली जब कोई मंदिर बनता है तो वो धरती से ऊपर बनता है, लेकिन ये पहला इस तरह का सिस्टम वाला आर्किटेक्चर है जो धरती के नीचे बना हुआ है। अब है कि इसे बनाया क्यों गया था। आजकल हम लोग कहीं पर भी जाते हैं, किसी भी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, आज जो भी जलवायु परिवर्तन की बात होता है, तो वहां पे सबसे मुख्य मुद्दा होता है कि वाटर हार्वेस्टिंग कैसे किया जाए, जल संचयन, क्योंकि अगला जो कुछ भी काम होगा वो पर्यावरण और पानी पर ही चर्चा किया जाता है। तो इसमें स्टेप वेल का इसलिए मुख्य रूप से योगदान है। भारत में स्टेप वेल का निर्माण इसलिए किया गया था, यहाँ पे पानी का अच्छी तरह से, भूमिगत पानी भी अच्छी तरह से रहे और पानी को एक जगह पे जमा भी किया जा सके, क्योंकि राजस्थान और गुजरात वाला जो एरिया है वो सूखा प्रदेश था, लेकिन वहां पर स्टेप वेल को बना करके वहां पे पानी को जमा करके पानी की दिक्कतों को दूर किया गया। रानी की वाव जो है ये 11वीं शताब्दी में बनाया गया था। इसमें आप चित्र में भी देख सकते हैं कि 11वीं शताब्दी का सबसे उद्भुत और उत्कृष्ट वास्तुकला का यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कुआं का, ये जो आप फिगर देख रहे हैं ये कुआं का फिगर है, और इस कुएं में एक ऊपर से स्ट्रक्चर बनाया गया था, और वो सारा पानी एक सीधी रेखा में आकर के उस कुएं में जमा होता था। तो ये इस तरह से बनाया गया था। अब है कि ये बनाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो तो पता ही है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग का बनाया गया था। अब है कि इस कुएं को ही इस तरह से वास्तुकला से इस तरह से इसको बनाया गया कि यह मंदिर की तरह दिखे। यह पूरी जो कुआं है ये 7 मंजिला है। 7 मंजिल का मतलब होता है 7 लेयर में इसको बनाया गया है, यानी अब ये ऊपर से नीचे की ओर बनाया गया है। ये यहाँ पे 1,000 से अधिक मूर्तियों का निर्माण है। स्लाइड नीचे करिएगा, नेक्स्ट करिएगा। ये इंडियन करेंसी है, इंडियन करेंसी पे भी इनका 100 का इंडियन करेंसी है। इस पे भी रानी के वाव का चित्रांकन किया गया है। प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। ये क्वीन स्टेप वेल, हाँ, इसका स्ट्रक्चर में एक महत्वपूर्ण चीज आपको बताने जा रहा है। इसमें क्या है कि ये जो पद्धति बनाया गया है, पहले आज जब हम लोग बनाते हैं, कोई भी मकान वकान बनता है, चाहे कोई भी स्ट्रक्चर होता है, उसको सीमेंट बनाया जाता है, कंक्रीट का यूज किया जाता है, लेकिन ये सीमेंट और कंक्रीट से नहीं बनाया गया है। एक पद्धति है, प्राचीन सिस्टम है, उसको कहा जाता है इंटरलॉकिंग सिस्टम। पत्थरों को आपस में जोड़ करके उसमें एक पत्थर को काट करके और उसमें कोई भी धातु को पिघला करके दिया जाता था ताकि वो जुड़ जाए, वो कभी अलग नहीं होता था, और एक तरह से भूकंप रोधी स्ट्रक्चर भी इसी प्रकार से बनाया जाता था, जो अब भी शायद कहीं कहीं पर बना हुआ मिलता है। ये है आपको इसमें 1,000 प्रतिमाओं का एक छोटा सा संकलन वाला ये चित्र आप देख रहे हैं। इसमें इन प्रतिमाओं में आपको भगवान विष्णु के दशावतार,
महिषासुर मर्दनी और भगवान शिव के अन्य अवतारों को दिखाया गया है। यहाँ पर आपको अलग स्ट्रक्चर में, जैसे विज्ञान के अलग अलग स्ट्रक्चर दिखाया गया है, ये सारा चीज आपको यहाँ पर मिल जाएगा। वास्तुकला का सबसे अद्भुत चीजों में से एक है इनका खंभा। इनके जो इनका खंभा है वो खंभा लगभग 212 स्तंभ यहाँ पे बना हुआ है। यहाँ पे 212 स्तंभ में आपको एक एक स्तंभ पर एक ही समान आकृति, एक समान आकृति को उकेरा गया है। इन आकृतियों में आप देख सकते हैं कि जाली नुमा स्ट्रक्चर को बनाया गया है, नक्काशी को उकेरा गया है, और ये सब का सब एक ही पत्थर से निर्मित किया गया है। सो वन सेकेंड, नेक्स्ट लाइक क्वेश्चन। आई हैव अ क्वेश्चन कि यू नो जब ये लोग आई थिंक दिस स्ट्रक्चर वॉज मेड टू कलेक्ट द वॉटर बट देन इट इज ऑल्सो मेड टू लुक लाइक अ टेम्पल, इज इट सो? या श्योर, ओके यानी कि इसमें जब पूरे स्ट्रक्चर को बनाया गया था तो वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए बनाया गया था, लेकिन जब इस पूरे स्ट्रक्चर को आप देखिएगा तो ये एक अंडरग्राउंड टेम्पल की तरह बना दिया गया। यानी जब मंदिर को आप उल्टा करिएगा तो उस तरह का स्ट्रक्चर को बना दिया गया। हाँ, एक सबसे एक आपको आश्चर्य करने वाली चीज बताते हैं कि जब 11वीं शताब्दी में जब इनका निर्माण हुआ था, 13वीं शताब्दी यानी 200 साल के बाद, 200 साल के बाद यहाँ पर एक सरस्वती नदी है। यहाँ पे जस्ट यहाँ पे आपको पता भी चल जाएगा, सरस्वती नदी यहाँ से कुछ दूरी पर ही है जो अब लुप्त हो चुकी है। तो 13वीं शताब्दी में सरस्वती नदी में बाढ़ आने के कारण ये पूरी तरह से, उसके सिल्ट, बाढ़ में जो सिल्ट आता है उस सिल्ट से ये पूरी तरह से डूब चुका था, पूरा ढक चुका था, कुछ भी इसका पता नहीं था। लेकिन 1940 में, यानी 700 सालों तक ढका रहा, सोच सकते हैं 700 सालों तक ये धरती के नीचे ढका रहा। लेकिन 1940 में अंग्रेजों को यहाँ पे कुछ खंभे दिखाई दिए, लेकिन उसके बाद 1948 से यहाँ पर ASI के द्वारा, यानी भारत जब आजाद हो गया तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पर 40 साल के अथक मेहनत से, कड़ी मेहनत से इसको साफ करके इसके सिल्ट को बाहर निकाला गया, और ये आप जो हम देख रहे हैं वो बावड़ी हमारे सामने है। इनका जो डेप्थ है वो 30 मीटर गहरा है, यानी कि पृथ्वी की सतह से 30 मीटर गहरा है इनका स्टेप। उसका जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ये स्टेप का, स्टेप वेल में, वो पूरा 10 मीटर की रेडियस पे बनाया गया है। ये काफी विशाल है, जब आप देखेंगे इसको, ये पूरा एक बड़ा सा स्ट्रक्चर को धरती के नीचे, यानी आपको पहले लगेगा कि ऊपर में छोटा सा स्ट्रक्चर है, लेकिन जब आप इसको देखिएगा धरती के नीचे बहुत बड़ा स्ट्रक्चर को तराशा गया है। इस कॉलेज में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक स्ट्रक्चर मिलेगा। यहाँ पे आपको क्वीन स्टेप वेल का जो पहला ऊपर ऊपर वाला भाग है वो, उसके बाद यहाँ पे प्रतिमाएं मिल जाएंगी। यहाँ पे एक आपको रेन वाटर हार्वेस्टिंग का एक पाइप मिल रहा होगा, बड़ा सा पाइप है वो। ये सारा चीज आपको एक साथ देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, ये उदाहरण के तौर पे। सो इस नेक्स्ट पाइप के करिए। थ्रू लाइक वाटर यूज टू गो टू द टाउन, इज दैट ट्रू? और यही होता भी था, जब पानी जमा होता था तो उनको पाइप के द्वारा वहां पे जमा कर उस कुएं, वो पानी साफ होता था तो उसको यूज किया जाता था। और ये जो पाइप लगाया गया था, ये पाइप लगाया गया था सरस्वती नदी के पास, ताकि उसका पानी जो है वो भी यहाँ पे आकर के जमा हो सके। हाँ, ये स्टेप वेल का सबसे बाहरी किनारा है। यहाँ पर आप, ये आपको टूटा हुआ दिख रहा है इसलिए कि यहाँ पर जब वो सिल्ट आया था तो सिल्ट में बहुत सारा चीज यहाँ पे ध्वस्त हो चुका था, लेकिन बहुत बड़ा भाग अभी बचा हुआ है। ये जब आप एंट्री करते हैं तो एंट्रेंस गेट पर ही आपको मिल जाएगा, एंट्रेंस गेट पर स्टेप स्टेप से पहले ही आपको ये मिल जाएगा, जहाँ पर इनका बहुत बड़ा हॉल है और ये गलियारा बना हुआ है 212 स्तंभों का। नेक्स्ट। हाँ, ये सबसे सुंदर तस्वीरों में से एक है, इसलिए कि ये एक तस्वीर में आपको सब कुछ मिल जाएगा। आपको एक स्तंभ मिल जाएगा, यहाँ पे प्रतिमाएं दिखने को मिल जाएगी, और उसके बाद जो वेल है वो भी मिल जा रहा है, और पूरा का पूरा स्टेप आपको दिखाई दे रहा होगा। तो किस डायनेस्टी ने ये बनाया था? सोलंकी डायनेस्टी द्वारा बनाया गया था 11वीं शताब्दी में। और सोलंकी। लोग ताजमहल क्यों याद करते हैं, हाँ क्योंकि वो शाहजहां ने मुमताज की याद में बनाया था, उनके प्रेम में बनाया गया था। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग ने ताजमहल पढ़ा, लेकिन इसको नहीं बताया गया, क्योंकि ये भी प्रेम का सबसे बड़ा उदाहरण है। ओ और ताजमहल से भी 400-500 साल पहले ही इनका निर्माण हुआ था, 11वीं शताब्दी में ही इनका निर्माण हो चुका था। तो किस राजा ने अपनी वाइफ के लिए बनाया था?
नहीं है एक्चुअली, इसमें राजा के स्मृति में बनाया गया था। उदयमती रानी थी, राजा का नाम है भीमदेव। हाँ भीमदेव जो सोलंकी के सम्राट थे, सोलंकी सम्राट भीमदेव, उनकी मृत्यु होने के बाद उनकी जो महारानी थी उदयमती, उसने इनका निर्माण करवाया था। ओके ओके सो सी दिस इज जस्ट सो मेनी हिडन स्टोरीज दैट वी डोंट नो अबाउट इट अबाउट इंडिया. सबसे बड़ी बात है कि भारत में जब आप आते हैं तो आपको प्रेम में ढेर सारा चीज यहाँ पे मिल जाएगा स्मृति के तौर पे, लेकिन ये अद्भुत, अलौकिक और भव्य है, क्योंकि इस तरह के स्ट्रक्चर ना मिलना बहुत ही मुश्किल है, दुर्लभतम है पृथ्वी पर। हाँ, ये वास्तुचित्र में जब देखते हैं तो आपको यहाँ पर एक स्तंभ के ऊपर, तो यहाँ पे आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये मंजिल पे बनाया गया है, यानी ऊपर से नीचे की तरफ डाउन पे बनाया गया है, और ये 7 मंजिल का बना हुआ है। यानी 7 मंजिल का मतलब होता है 7 फ्लोर का बनाया हुआ है, 7 फ्लोर का बना हुआ है। ये आपका कुआं है जिसको हम वाव कहते हैं या वेल कहते हैं। ये आपका सबसे बड़ा, उसका एक एंगल दिया हुआ है। यहाँ पे कुआं के अंदर की नक्काशी है, उसपे कई मूर्तियां हैं, और वहां पे मूर्तियों के ऊपर भी कई प्रकार के नक्काशियों को उकेरा गया है। बिफोर वी मूव ऑन टू आर नेक्स्ट टेम्पल शो टेम्पल महाबलीपुरम चेलंगपट्टू डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु. डू यू वॉन्ट टू टेल एनी थिंग टू आर व्यूअर्स ऑफ द एडमिन शो? और ये चीज है, जो भी आप अभी देख पा रहे हैं, जो भी दर्शकगण हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट भी है कि यदि आप इन चीजों को देखते हैं और इन्हें आगे भी देखना है तो आपको ये चैनल भी गॉटमन शो को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरे फेसबुक पे आप आ सकते हैं, राहुल कुमार रोशन चौधरी के नाम से फेसबुक है, आप उस पर भी आकर के हमें फॉलो कर सकते हैं। वहां पर आपको सनातन धरोहर के बहुत सारे चीजों को और इंटरेस्टिंग के साथ आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए, अब नेक्स्ट है सो टेम्पल महाबलीपुरम। शायद बहुत से भारतीयों को और दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको ये पता है, क्योंकि ये एक ऐसा और एकमात्र स्ट्रक्चर है पृथ्वी पर जिनके बारे में विज्ञान और इतिहासकार खुद मतलब संदेह भी रखता है, क्योंकि इनका एक कालखंड अभी तक तय नहीं किया जा पा रहा है, क्योंकि ये कब बनाया गया था और ये समुद्र में कैसे चला गया, ये सारा चीज। सोर टेम्पल का, सोर का मतलब होता है तट, ये समुद्र के तट वाले एरिया, इसलिए इसका नाम दे दिया गया तटीय मंदिर, यानी कि सोर टेम्पल। अब है कि सोर टेम्पल जो महाबलीपुरम में बनाया गया है, यह तमिलनाडु राज्य में बनाया गया था, और इसका इतिहासकार के अनुसार 6ठी शताब्दी में बनाया गया था, लेकिन द्रविड़ वास्तुकला का सबसे बेजोड़ और सबसे अद्भुत नमूना है। जब आप सोर टेम्पल जाइएगा तो आपको समुद्र की लहरें एकदम दूर से दिखाई देंगी, और जो समुद्र की लहरें हैं वो मंदिर से टकराती हुई एक अद्भुत सा दृश्य उत्पन्न करता है। वहां पे जब आप देखेंगे तो मनमोहक दृश्य आपको वहां पे दिखने को मिलेगा। यह वो मंदिर है कि जहाँ प्राचीनता और वैज्ञानिकता एक नए आयाम है। जब आप इसको देखेंगे लगेगा कि हम प्राचीनता के उस भव्य दौर में हैं जहां पर मंदिरों का निर्माण होता था, लेकिन जब इसकी रूपरेखा को हम देखते हैं और इनकी वैज्ञानिकता को, क्योंकि ये जो मंदिर बना हुआ है ये प्रथम ऐसा मंदिर है जहां पर रॉक कट का और मेसिव स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसलिए वैज्ञानिक के तौर पर भी एकदम अद्भुत प्रतिमा बना हुआ है, जहां पे जो हमें सोचने कर देती है। अब है कि ये तमिलनाडु के बंगाल की खाड़ी के तट पे बना हुआ है। इनके बारे में विदेशियों ने कहा था कि इसे स्कूल ऑफ स्ट्रक्चर और स्कूल ऑफ स्कल्पचर कहा जाता था। यहाँ पर आर्किटेक्चर के लिए भी काफी बनाया जाता था। यहाँ पे पहली बार है कि शिल्प से लेकर के हर एक चीज का निर्माण कार्य यहीं से शुरुआत किया गया था। जब भारत कोई अरब का या कोई पुर्तगालीज कोई भी जब अरब सागर से होते हुए आते थे, विदेशी यात्री जो भी आते थे, तो तमिलनाडु आते हुए यहाँ पर एक पोर्ट बना हुआ था, और उस पोर्ट का नाम था महाबलीपुरम पोर्ट, और उसी पोर्ट पे आकर के जब उसे ये मंदिर दिखता था, यहाँ का स्ट्रक्चर्स को जो दिखता था, उसने ही इसका नाम रखा था स्कूल ऑफ स्ट्रक्चर या स्कूल ऑफ स्कल्पचर, ये इस चीज का नाम रखा था। अब है कि बंगाल की खाड़ी में इनका निर्माण किसने करवाया है, बंगाल की खाड़ी तट पर इसका निर्माण किसने करवाया है, इतिहास की जब हम बात करते हैं तो पता चलता है कि इतिहासकारों के अनुसार कि पल्लव वंश के राजा नरसिंह वर्मन ने इनका निर्माण करवाया था। अब है कि नरसिंह वर्मन ने इनका निर्माण करवाया तो एक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, आप जब पूरे फिगर को आप आउट करिए वहां पे तो पता चलेगा कि सिर्फ एक स्ट्रक्चर, एक ही मंदिर आपको दिख रहा है, लेकिन वास्तव में यहाँ पर पहले 7 मंदिर थे, 7 मंदिर यहाँ पे बने हुए थे।
यहाँ पे जो भी मंदिर बना हुआ है वो एक ही चट्टान को काट कर बनाया गया है, और सब जितने ही मंदिर हैं सबको एक रथ के आकार में बनाया गया। रथ का मतलब होता है कि एक चलने फिरने वाला रथ जो बना हुआ रहता था। ये इस पूरे स्ट्रक्चर को एक रथ के नुमा बनाने का कारण है कि यह सभी महाभारत के जुड़े हुए पांडवों के साथ इनका कनेक्शन करके बनाया गया है। इनमें अलग अलग जगह है जिनमें पांडव रथ भी है, इसमें द्रौपदी रथ है, यह सारा चीज इसमें बना हुआ है। हाँ, ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो आप देख रहे हैं, ये इसमें आपको एक मेसिव एक पत्थर है जहां पर इन स्ट्रक्चर को केला गया। इसमें एक छोटा छोटा चीज भी आपको दिखाई देगा, इसमें एक अगस्त ऋषि का भी फिगर्स बनाया गया है, और यहाँ पे अर्जुन को तपस्या करते हुए देख सकते हैं। गंगा अवतरण का फिगर, आप गंगा अवतरण की पूरी घटनाक्रम को यहाँ दर्शाया गया है, महाभारत काल की घटनाओं को दर्शाया गया है। ये महाबलीपुरम जो मंदिर है, यह संगम कालीन ग्रंथों में इनका विवरण आता है। संगम कालीन ग्रंथ का मतलब होता है, संगम काल एक ऐसा पीरियड था जहां पर सभी दक्षिण भारत के जो भी इतिहास का जो संकलन किया गया है वो संगम काल के द्वारा ही संकलन किया गया है। इस मंदिर को सेवन पगडाज कहा जाता है। ये जो आप देख रहे हैं ये टेम्पल स्ट्रक्चर है जो समुद्र के नीचे डूबा हुआ है, ये सारा चीज। हाँ, एक चीज यहाँ पर होल्ड करिए, हम बताते हैं। यहाँ पे क्या है कि यह जो शिल्प कला का जो स्कूल ऑफ स्ट्रक्चर है, ये इसलिए कहा जाता था कि यहाँ पे सारा चीज बनता था, लेकिन यहाँ पे बहुत कम लोगों को ये पता है कि ये पहले सेवन पगोडास के नाम से भी मशहूर था, क्योंकि यहाँ पे सात मंदिर थे। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे सात मंदिर थे तभी एक क्यों दिखाई दे रहा, एक्चुअली में छह मंदिर और जो है वो समुद्र के नीचे डूबा हुआ है, टूटा हुआ नहीं बोल रहे हैं, डूबा हुआ है। और अब दुनिया में सबसे बड़ी बात है कि जब भी समुद्र का लेवल बढ़ता है वो अचानक से नहीं बढ़ता है। इधर एक ऑस्ट्रेलियन रिसर्च हुआ था साइंटिस्टों का, उसने कहा है कि 2000 नहीं 1948 से लेकर के इधर कुछ 2020 तक के डिस्टेंस में, यानी 150 साल के आसपास के हिस्ट्री में, लगभग 19.5 सेंटीमीटर, हाँ 19.5 सेंटीमीटर का बढ़ोतरी हुआ है 1870 से 2020 तक के, एंड 150 साल में सिर्फ 19 सेंटीमीटर का बढ़ोतरी हुआ है समुद्री पानी में, यानी जल वृद्धि में। अब सोच सकते हैं कि जब 150 सालों में 19 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी होता है तो एक पूरे कैसे डूब सकता है, और वो भी छह छह मंदिर डूब चुका है जिसका अवशेष एएसआई ने 2004 में भी एक्सप्लोर करके खोजा है। ये मंदिर से 600, 700, 500 और इस तरह के मीटर की दूरी पर ही आपको मिल जाएगा, जिसका स्ट्रक्चर आप अभी स्क्रीन पर हम देख रहे हैं। So, like, have you gone inside, or does people have, you know, explored inside the mandir that has gone inside the water? एब्सोल्युटली, वहां पे एएसआई ने भी जाकर के इस चीज को एक्सप्लोर किया है। उसके एक मेंबर थे, उनका नाम हम भूल रहे हैं, उनका नाम था हाँ, ग्रामर हैंग। ये बहुत बड़े इतिहासकार हैं, इसने भी कहा है कि आज से 13,000 साल पहले, आज से 10,000 से 13,000 साल पहले उस महाबलीपुरम वाले एरिया में बहुत बड़ा सुनामी आया था, जिसके कारण वो पूरा स्थल जो है डूब चुका था। तो हम संभावना भी दर्ज करते हैं तो पता चलता है कि जो ये जल वृद्धि का जो दर है वो भी उसी सापेक्ष में मिलता है, उसी चीज में मिलता है। आज से हो सकता है कि वो 9,000 साल पहले उस चीज का स्ट्रक्चर को बनाया गया हो, हम नहीं कह रहे, ये खुद डाटा कह रहा है, डाटा में ये सारा चीज एकदम एग्जैक्टली किया गया है। यहाँ पे आपको छह रथ मिल रहा होगा, इसमें आपको सामने वाला रथ में आपको भीम रथ मिल रहा है जो पांडवों के थे, भीम रथ, उसके बाद द्रौपदी रथ है, उसके बाद नकुल, सहदेव रथ है, उसके बाद युधिष्ठिर रथ है, अर्जुन रथ है, इस तरह से देख ले। यहाँ पे जो हाथी के साइड में जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, एक एलिफेंट स्ट्रक्चर के साइड में जो आपको मंदिर की तरह स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, इसको नकुल सहदेव रथ कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है, नकुल सहदेव को जानते ही होंगे, ये महाभारत के पांच पांडवों में से ये दो व्यक्ति थे, दोनों भाई थे। I know. Okay, and then Arjun Rath. अर्जुन रथ, अर्जुन को तो दुनिया जानती है। इसमें अर्जुन रथ में एक खासियत है, खासियत यह है कि जब आप किसी भी दिशा से इसको देखेंगे तो आपको ये समान दिखेगा, क्योंकि इसका जो बाहरी किनारा है ना वो इस तरह से बनाया गया है कि आप किसी दिशा से देखेंगे तो वो आपको समान दिखता है, ये अर्जुन रथ खासियत है। धर्मराज रथ.
हाँ धर्मराज, धर्मराज को वैसे तो सबको पता है धर्मराज कौन था। धर्मराज को युधिष्ठिर को बुलाया जाता था, और युधिष्ठिर का रथ है और युधिष्ठिर के नाम पर ही इस को बनाया गया है। इसमें क्या है कि अर्जुन रथ से थोड़ी सी डिफरेंस है कि इसका स्ट्रक्चर में जो स्तंभ को बनाया गया है उसपे स्तंभ पर भी एकदम बारीकी से कलाकृति की गई है, बड़ी बड़ी बारीकी से नक्काशी की गई है। ये आप यहाँ पर आराम से देख सकते हैं, ये द्रौपदी धर्मराज रथ रथ का। हाँ द्रौपदी रथ में आपको छत पर जो चार कोण है उन चारों कोण पर जो आ, आ, जो उकेरा गया, जो नक्काशी उकेरा गया है, ये ही नक्काशी आपको महाराष्ट्र के एलोरा केव में मिल जाता है। एलोरा केव का सबसे ऊपरी स्ट्रक्चर के छत मंदिर है उस पे आपको ये चारों कोण में इस तरह का स्ट्रक्चर मिल जाएगा। तो यहाँ पर भी एक हम कनेक्शन को जोड़ सकते हैं, ये भीम रथ है। भीम रथ आराम से पहचानने के लिए, क्योंकि ये काफी विशाल है, सभी रथों से ये काफी बड़ा रथ है। और भीम रथ में इंट्रेंस गेट काफी ज्यादा हैं और इसका मुख्य दरवाजा एक तरफ से है, लेकिन इनका जो पूरा स्तंभ वाला गलियारा है ये बहुत बड़ा गलियारा है, इसलिए इसको भीम रथ नाम दिया गया है। ये क्या है? ये शेर जैसा कुछ स्ट्रक्चर है। शेर है, और शेर के जो दिल के पास आपको दिख रहा होगा ये एक्चुअली लग रहा होगा कि ये क्यों ऐसा बनाया गया, लेकिन जब आप इसको गौर से देखिएगा, जूम आउट करिएगा, तो पता चलेगा कि इसके अंदर महिषासुर मर्दनी को उकेरा गया है। महिषासुर मर्दिनी यानी माँ दुर्गा का ये जो विशाल रूप है उस चीज को यहाँ पर के उकेरा गया है। यहाँ पर आपको हथियारों के साथ माँ दुर्गा का पूरा रूप आपको दिख जाएगा, वो एकदम थोड़ा सा अंदर जाकर के क्लोजली करके उकेरा गया है, काफी ज्यादा ये स्ट्रक्चर इस तरह का है वहां पे। हाँ यहाँ पर आपको एक एंट्रेंस गेट है, और यहाँ पर जो आपको एक दिख रहा होगा फिगर, एक्चुअली ये फिगर जो है जो ये बना हुआ है ये एक ही पत्थर को काट के बनाया गया है। भगवान विष्णु के जितने भी अवतार हैं उन अवतारों को इस सर्किल में दिखाया गया है, वो भी क्रमवार दिखाया गया है, एक यानी कि राम के परशुराम के बाद राम, राम के बाद इस तरह से दिखाया गया है, एक एक करके दिखाया गया है। लाइक यू नो, मैं जब एक बार अलास्का गई थी तो देर वॉज समथिंग कॉल्ड टोटम पोर्ट, सो इवन दे हैड समथिंग सिमिलर लाइक वन ऑन टॉप ऑफ द अदर, लाइक दे वुड लिस्ट आउट द जनरेशन ऑफ द फैमिली. सो बट दिस इज मोर लाइक अ गॉड थिंग, बट देर दे सो लाइक इवन अराउंड द वर्ल्ड द कल्चर्स आर लिटिल सिमिलर आई थिंक. एब्सोल्युटली राइट। एक्चुअली क्या है कि ये जो इस तरह का स्ट्रक्चर आपको कंबोडिया मिल जाएगा, आप जब थाईलैंड जाएंगे वहां पर ही मिल जाएगा, जब आप फिलीपींस जाते हैं तो वहां पर भी चोला टेम्पल में इस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है। और ये जो है ना जीवन पद्धति यानी लाइफ डेवलपमेंट का जो ये सिस्टम है उस चीज को दिखाता है। ये आपको हर एक टेम्पल में तो नहीं मिलेगा, लेकिन जो सबसे एंशियंट टेम्पल है उसमें आपको मिल जाएगा। और ये विष्णु का जो भी अवतार है ना ये पूरे कल्चर को दिखाता है। हाँ आप जो बोल रहे थे कि ये पूरा इंटायर पूरे वर्ल्ड का जो कल्चर है वो एग्जैक्टली सनातन कल्चर से ही होके निकलता है। या आई नो. ये उनका एक ड्रोन व्यू हो गया, उनका एरियल व्यू है, और इसका जो है सामने का ये पूरा व्यू हो गया। ये महाबलीपुरम का मुख्य मंदिर है, वाह, दिस इज एकमात्र ब्यूटीफुल. बचा हुआ एक मंदिर। लेक कुछ है ना हाँ अंदर. ये, हाँ ये लेक नहीं है, छोटा सा तालाब बनाया गया था, छोटा सा तालाब बनाया गया वहां पे। हाँ यहाँ पे एक चीज बोलना चाह रहे थे, ये जो तालाब है ना इसमें एक वड़ाह बनाया गया है। वड़ाह का मतलब होता है कि एक ऐसा जंगली जानवर जिनका यानी कि सुअर जैसा रूप होता है, पिग जैसा दिखता है, लेकिन वही बड़ा होता है, जंगली सुअर जिसको बोल सकते हैं। तो इसमें क्या है कि जो बनाया गया है इसमें फिगर को, एक पत्थर काट के जो बनाया गया है वो ना तो इस तरह का दिखता है ना किसी और चीज का दिखता है, लेकिन जब पानी कम होता है तब वो दिखेगा, लेकिन वो बड़ा सा अजीब लगता है। उनका जेनेटिक सिस्टम पता चलता है कि वो हो सकता है कि उस शेर शेर और पिग्स को एक साथ मिला करके उनको बनाया गया हो, मतलब देयर वाज अ ह्यूमन तो एक्सपेरिमेंट, इनका ह्यूमन एक्सपेरिमेंट नॉट ह्यूमन सॉरी एनिमल एक्सपेरिमेंट टू यू नो मिक्स द जीन जेनेटिक्स. का ये चीज यहाँ पे आपको सबूत मिल जाता है इसी जगह पे। ये जो आप लेक देख रहे हैं छोटा सा एक पॉन्ड्स दिख रहा होगा, यही चीज में दिख रहा होगा, यही इसमें बना हुआ है वो। और दिस इज द सेम थिंग टोटम पोल दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. तो अवतार हो गया। ये क्या है? ये हाँ बड़ा सा रॉक. ये बटर बॉल है एक्चुअली। साइंटिफिक रीजन कहा जाता है कि ग्रेविटी, यहाँ पे सच में बताया तो ग्रेविटी कहाँ जाता है समझ में नहीं आता। एक छोटे से चीज पे, एक छोटे से चिकाव पे ये टिका हुआ है, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है,
और ये इतना ज्यादा भारी है कि कहा जाता है कि इनको हटाने के लिए उस समय राजा भी और कई लोगों ने इनको हटाने का प्रयास किया, लेकिन कोई सफल नहीं हो पाया। तो ये अब तक एक छोटे से टुकड़ा जैसे होता है ना, कि एक छोटे से एंगल पे हम खड़ा कर दिए, वो अभी तक वैसे टिका हुआ है। लोगों का, स्थानीय लोगों का कहना है कि भगवान श्री कृष्ण का मक्खन का वो है, वो पत्थर बन गया। एक्चुअली जो भी वो कहानी से हमको तो पता नहीं सकते हैं, लेकिन इनका जो सामने आप जाइएगा तो पता चल ही जाता है कि ये कितना विशाल है। और सबसे बड़ी बात है कि विज्ञान को सीधा चुनौती देता है कि यहाँ पे ना ग्रेविटी यूज हो पा रहा है, ना ग्रेविटी का कोई थ्योरी यूज हो पा रहा है। सीधी सी बात है यहाँ पे। All right. Moving on to our next temple, that is Sun Temple, Konark, Odisha, Puri. So yeah, go ahead, Konark. I know Konark के हाँ बारे में हाँ सुना है कि वो sun dial and all that like बचपन में, and I have visited also when I was a little kid. So yeah, go ahead. कोणार्क को जब हम सुनते हैं ना, तो कोणार्क का मतलब ही होता है एक कोण में जहां पे अर्क हो, उसी ही हम कोणार्क कहते हैं। एक छोटे से, यानी कि सूर्य का जो कोण होता है उसे ही कोणार्क कहा जाता है। अब कोणार्क की जब बात करते हैं तो पता चलता है कि कोणार्क ऐसे हम दिमाग में लाते हैं, तो एक विशाल सूर्य मंदिर का जो पूरा उनका स्ट्रक्चर है वो दिमाग में घूमना शुरू हो जाता है। कोणार्क सूर्य मंदिर को बनाया गया था 13वीं शताब्दी में, और उस समय राजा थे गंग वंश के, राजा थे नरसिंह वर्मन, उसी ने नरसिंह देव, हाँ उसी ने इनका निर्माण करवाया था। इनके बारे में काफी कहानियां हैं, काफी ज्यादा है, लेकिन जब हम इतिहास बात करते हैं तो पता चलता है कि जब इस चीज को बनाया गया था, इनके ऊपर, इनके टॉप पे बहुत बड़ा मैग्नेट रखा गया, और उसी मैग्नेट के द्वारा इसके अंदर भगवान सूर्य की जो प्रतिमा है वो फ्लोटिंग होता था, एयर फ्लोटिंग होता था, यानी कि बिना किसी सहारे के वो हवा में तैरता रहता था, अप डाउन होता रहता था। तो ये इन चीजों का बनाया गया। लेकिन जब आप सूर्य मंदिर के जब देखते हैं तो यह कलिंग वास्तुकला का सबसे महानतम उत्कृष्ट उदाहरण में से एक है। इसमें आपको मुख्य जो दरवाजा है वहां से जब आप देखते हैं तो ये 24, जब आप पूरे स्ट्रक्चर को देखिएगा पता चलेगा यह 24 पहिए पर इस पूरे मंदिर को बनाया गया है। अब पूरे मंदिर को बनाने का मतलब होता है कि एक ही रथ पे ऐसा क्यों बनाया गया। तो अब जब सूर्य मंदिर की बात करते हैं तो सूर्य क्यों, पहले प्राचीन काल में सूर्य का एक पूजा करने में जो यूज होता था और एक समय देखने में, और पूरा जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है उनका जो रथ का जो भी पहिए हैं वो एकदम क्लियर से हम बता सकते हैं कि वो धूप घड़ी के रूप में उनका इस्तेमाल होता है। धूप घड़ी का मतलब होता है जो सन डायल जो होता है उसके लिए इस्तेमाल। ये आप जो फिगर देख रहे हैं ये फ्लोटिंग है, फ्लोटिंग भगवान सूर्य का ये प्रतिमा है, ये ये फ्लोटिंग इसलिए है आर्टिफिशियल। बिकॉज द मैग्नेट इज पुलिंग, देयर सम काइंड ऑफ मैग्नेटिक अट्रैक्शन. ऊपर में टॉप पे 40 टन का मैग्नेट रखा गया था, और मैग्नेट, और इसमें पूरे मंदिर के जो स्ट्रक्चर है उसमें पत्थरों पर मैग्नेट का यूज किया गया था, जिसके कारण उनका जो मैग्नेटिज्म पावर होता है वो इन इस आइडियल को फ्लोटिंग करवाता था। और सबसे बड़ी तो बात है कि इस बेसिकली लाइक फ्लोटिंग के बाद, मैग्नेट, या 1 मिनट, मैग्नेट कैन पुल अट्रैक्ट अ रॉक एज वेल, लाइक नहीं, कैन इस रॉक पेडेस्टल में बहुत बड़ा पेडेस्टल जो है, पेडेस्टल पे रखा गया था, ये लोहे का पेडेस्टल बनाया गया दैट. था, अच्छा, और उस लोहे ओके, के पेडेस्टल आइडियल को रखा गया था ताकि लोहे का जो मैग्नेटिज्म है वो उस पेडेस्टल को, और यानी कि आइडियल को ऊपर रखा जाए। तो ये पेडेस्टल को पूरे लोहे से बनाया गया था और उसके ऊपर आइडियल को रखा गया था, तो वो पेडेस्टल के आयरन इफेक्ट और मैग्नेटिज्म के कारण ये आइडियल जो है वो हवा में फ्लोटिंग करता था। वाह, दिस इज अमेजिंग. ओके, ये है। और इसमें क्या है कि इनका हाँ, इसमें जो सूर्य की प्रतिमा है, भगवान सूर्य की जो प्रतिमा है, इस पूरे गर्भगृह को इस तरह से बनाया गया था कि सामने वाले जो मुख्य दरवाजा है वहां से सूर्य की किरणें जब गर्भगृह में भगवान सूर्य के माथे पर पड़ती थी, यानी कि मुकुट के पास, तो वहां पर एक हीरा लगाया गया था और उस हीरा से पूरा गर्भगृह में रोशनी आता था, और उस पूरे प्रतिमा के चारों तरफ हीरा को जला गया था, पीछे भी आगे भी, और पेडस्टल पे और मंदिर के कुछ कुछ जगहों पे हीरा को जला गया था। उससे क्या होता था कि मंदिर में अचानक से पूरा प्रकाशमान हो जाता था, पूरा लाइट से भर जाता था। ये प्रतिमा पर आपको जलावा मिल जाएगा। ये है कलिंग वास्तुकला, ये जो अभी आपको दिख रहा होगा। एक्चुअली अभी जो कोणार्क का जो टेम्पल का जो स्ट्रक्चर है
वो मुख्य मंदिर यानी गर्भगृह का बाहरी वाला भाग है, वही अभी हम लोग को दिखता है। ये कलिंग वास्तुकला में दो तरह का बनता है, एक उनका होता है सबसे नीचे वाला भाग मंडप, और एक होता है जगमोहन। तो जगमोहन हम लोग को दिख रहा होगा, मंडप जो मुख्य रूप से था वो अब नहीं बचा। ये हम लोग को अब ये सिर्फ यही एक बचा हुआ है जिससे हम लोग अभी भी देख पाते हैं। Oh, this is the magnet that you were talking about. The iron anvil Exactly. of the sun god used to float in midair due to strategic arrangement of magnets. Exactly. इस मैग्नेट के बारे में एक पहला कहानी मिलता है। कहा जाता है कि जब कुछ विदेशी लोग जब भारत आ रहे थे, तो वो उस उन लोगों के नाव में जो लोहे जड़े थे ना, तो वो इस मैग्नेट के कारण अट्रैक्ट होता था, या उनका जो कंपास था वो काम नहीं करता था। तो वो इस तट पे आकर के रुकते थे, तो पता चलता था कि इसके मैग्नेट के कारण ही उनका कंपास नहीं काम कर पाता है, और उनके जहाज में रफ्तार नहीं बन पाता है। इसलिए हो सकता है कि उसने इस चीज को क्षतिग्रस्त करने का प्रयास किया हो। लेकिन इतिहास में पता चलता है कि 16वीं शताब्दी में काला पहाड़ नामक एक व्यक्ति थे, एक आक्रांता थे, जिन्होंने इस मंदिर को तोड़ दिया। एक्चुअली बैक करिएगा एक बार ये सनडायल साइड। जरा बताइएगा, क्या बोले? ये सनडायल वाला ये बताइए, ये जरा इंटरेस्टिंग है। हाँ, सनडायल वाला में क्या है कि इसमें आपको काफी चीज मिल जाएगा। इसमें 8 बड़े वाले तीली बना हुआ है और 8 छोटे वाले। तो इसमें क्या है कि 8 तीली का मतलब होता है प्रहर। प्रहर का हम लोग बोलते हैं समय, यानी कि 8 समय जो है उनका ये कैलकुलेशन है। तो प्रत्येक प्रहर के बीच में 3 घंटे का इक्वेशन होता है, उन चीजों को यहाँ पे दिखाया गया है। और जो बीच में छोटी वाली तीली है वो 3 घंटे को डिवाइड करती है, यानी 1.5 घंटे का अब डिस्टेंस होता है। अब है कि यहाँ पर आपको दिख रहा हो, इसे यहाँ पे डिनोट कर दिया गया है कितने कितने घंटे का है, लेकिन यहाँ पे जो प्रहर है वो, लेकिन अब है कि इसमें पता कैसे चलेगा। यहाँ पे जो आपको एक्सल दिख रहा होगा बीच में, जो धुरी दिख रहा होगा पहिए का, उस पे जब सूरज की रोशनी पड़ती है ना, तो उसका जो छाया जहाँ पे जाता है, तो वही छाए से जो उनका जो शेडो बनता है, उसी शेडो पे हम लोग जाकर के पता चलता है कि इतना टाइम हुआ है। ये सन डायल का यहाँ पे काम करती जी, ऐसा है। ऐसा इनका ये मैसिव एक उनका फिगर है, यहाँ पे आपको पूरी तरह से देख सकते हैं। इनमें छोटे छोटे जो आड़े पीछे देख रहे होंगे, ये सब यहाँ पे मिल जाएगा। ये भी यहाँ पे एक छोटे से पहिए पर इतना नकाशी किया गया है। यहाँ पे आप धूरी, यहाँ पे आपको एक्सल मिल जा रहा है, क्लियर से दिख रहा होगा एक्सल इस पे। हाँ, आप इस बारे में कुछ बोलना चाह रहे थे? यहाँ यहाँ पे या ये मैं आगे बढ़ गई थी। 13वीं शताब्दी में, 13th सेंचुरी में, शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिनको पता ना हो, लेकिन यहाँ तक क्लियर था कि इंडिया में तब जिराफ के बारे में किसी को पता नहीं था, जिसे मतलब कि अफ्रीका का जिसे जानवर कहा जाता है, जिराफ के बारे में इंडिया में पता नहीं था। ऐसा मतलब इतिहासकारों का कहना है कि जब तक मुगल नहीं आए, तब तक इतिहासकारों ने यही लिखा है कि जिराफ के बारे में भारतीय को पता ही नहीं था। लेकिन जब आप इस मंदिर को देखिएगा, इस मंदिर की दीवार पर एक स्ट्रक्चर बनाया गया है जहां पे आपको जिराफ दिख रहा होगा, दिख रहा है? तो यहाँ पर जो जिराफ दिख रहा है, एक्चुअली में ये हम लोग को दिखाता है कि हम लोग आज से नहीं, शताब्दियों पहले से ही, यानी कि जब कोई धरती पर, जब कोई भी साम्राज्य बाहरी आक्रांता धरती पर नहीं था, यानी हमारे पृथ्वी पर नहीं, हमारे भारत नहीं आए थे, उससे पहले ही हमारे पूर्वजों ने पूरे विश्व का भ्रमण कर चुके थे। तो वह चीज को यहाँ पे सबसे बड़ा एक प्रमाण के रूप में हम मान सकते हैं कि जिराफ के बारे में नक्काशी को उकेरना एक असंभवता ऐसा नहीं हो सकता है। उन चीजों को यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है। रियली इट वॉज रियली अमेजिंग, यू नो, नोइंग दिस थ्री टेम्पल्स, बट आई होप यू विल हैव लाइक विल डू वन मोर एपिसोड इन डिसम्बर. सो वॉट आर यू प्लानिंग फॉर नेक्स्ट थ्री टेम्पल्स? वॉट इज इन योर माइंड? मेरे दिमाग में आ रहा है एक्चुअली एक और काफी महानतम मंदिरों में से उसे मानते हैं, ऐरावतेश्वर मंदिर है। उसके बाद रामप्पा टेम्पल है। रामप्पा टेम्पल के बारे में हम सोच रहे थे कि एक बार करना है उस पे, दो अगली बार रखेंगे हैं। और एक उसमें हम जोड़ने के लिए अजंता केव है, उसके बारे में रखेंगे, क्योंकि वो एक ऐसा केव है जो अपनी सदी के एक पेंटिंग के रूप में सबसे महत्वपूर्ण केव में से हाँ, वो उनके जगन्नाथ बारे में। टेम्पल भी करेंगे ना. वील से दे सी दैट द जगन्नाथ कृष्णास हार्ट इज इनसाइड द जगन्नाथ टेम्पल. लाइक आई वांट टू नो दैट हिस्ट्री अबाउट इट. मेरे
प्राथमिकता में रहेगी उसमें से। हाँ, यस तो जगन्नाथ टेम्पल रहेगा, उसके बाद एक रामप्पा टेम्पल रहेगा, और उसी में से कोई एक मंदिर को हम चुन करके उसमें रखेंगे, जरूर रखेंगे उसमें। ऑलराइट, थैंक्स फॉर जॉइनिंग राहुल, एंड गुड लक, एंड डू यू हैव एनीथिंग टू टेल टू माय व्यूअर्स, एनी थैंक यू वेरी मच। पार्टिंग कमेंट? ऑलराइट, थैंक यू, बाय. थैंक यू।